हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाई स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कशन करवाकूचे कन्ना अष्टम श्रेणी विज्ञान अष्टम श्रेणी विज्ञान विषय विज्ञान ओके तृतीय विषय बहिरे प्रश्न उत्तर आलोचना करवा भिडियो आरंभ से देख भिडियोटे भल लगे गोटे लाइक कर सांग सहित सेयार मध्य कराफर समस्त पाखे प्रश्न उत्तर भिडियो पहुँच पार से लाभ उठे पारे भिडियो लाइक कर सेयार कर आम चैनल जब नुआ थ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन दबाई अल्प अन करेब ओके जहाँफल नुआ नुआ भिड नोटिफिकेशन पहुँच देख एक नंबर रही शून्य स्थान पूरण आवश्यक शब्द शब्द व शब्दपुंध गुड़िक लेख कृत्रिम तंतु को डैश तंतु एवं डैश तंतु मध्य कहुए संश्लेषित पॉलीमर ओके लिख संश्लेषित एवं तापर लिख पॉलीमर ओके नेक्स्ट देखते प्रथम संश्लेषित तंतु होती पॉलीथीन तापर देख कृत्रिम तंतु भाई प्लास्टिक पॉलीमर अटे तापर देखु पॉलीमर प्रत्येक अंश को डैश कहुए उत्तर हम एकक कहुए दुई नंबर देख चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर टी बाछवाक कहुई देखते अच्छी क्योंटी वस्त्र रूपे एवं कात परिवर्तन व्यवहृत हो नंबर डबल आई क्योंटी नॉन स्टिक बासन व्यवहृत हो सब आंसर देख ये एक्रिलिक हम आंसर आंसर कौन हम एक्रिलिक नेक्स्ट देख दीवा टेफ्लॉन यहाँ आंसर कौन नॉन स्टिक बासन में व्यवहार उत्तर होती टेफ्लॉन नेक्स्ट आम देख दीवा त्रिपुल इलेक्ट्रिक स्विच प्लग आदि क्यों प्रस्तुत होती उत्तर बेकेलाइट ऑप्शन नंबर ख आई भी देख क्यों कांथर व्यवहृत टाइल प्रस्तुत हुए उत्तर मेलामाइन मेलामाइन ओके नेक्स्ट देख तीन नंबर निम्न मध्य क्यों गुड़िक पुनःचक्रण अयोग्य एवं क्यों गुड़िक पुनःचक्रण अयोग्य प्लास्टिक अलग कर देख अच्छे आपण मान कौन रही बहरे मैंने क्वेश्चन तार मान हिंट्स कौन रही देख टेलीफोन जंत्रपाटी प्लास्टिक खेलना रसोई बासन हैंडल डॉट पेन चौकी विद्युत तार बाह्य आवरण विद्युत स्विच तापर देख आम धारण कर पुनःचक्रण अयोग्य एंड पुनःचक्रण अयोग्य प्लास्टिक्स आ गोटे हूँ पुनःचक्रण अयोग्य प्लास्टिक्स ठीक अच्छे मुझे अलग अलग कलर मध्य कर देखते प्लास्टिक खेलना चौकी विद्युत तार बाह्य आवरण डॉट पेन प्लास्टिक खेल एपट लगे टेलीफोन जंत्रपाती रसोई बासन हैंडल विद्युत स्विच तापर तार नंबर को जी निम्नक्त जिन गुड़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सो को कहीं प्रस्तुत करा जाए बुझाओ देख यार आंसर कौन लिखे आपण मैंने सस्पेंशन तावा प्रेशर कुकर हैंडल विद्युत प्लग स्विच बोर्ड देख उत्तर लिख एवहृत प्लास्टिक बेकेलाइट उत्तप्त कले ता नरम हुए ना कि तरल अवस्था को आसे ना अप्रस्तुति बेले एगुड़ी आकार आकृति परिवर्तनशीलता नुहे कारण यह विद्युत कुपरिवाही अटे ताप सहनशीलता गुण रही है पांच नंबर को दिया नाइलन तंतु खूब शक्त बुझापी दुईट उदाहरण लेख लेख नाइलन तंतु उच्चमानर नाइलन उच्चमान स्थितिस्थापकता हालुका शक्त गुण जो विभिन्न भिन्न भिन्न मटेर दौड़ी प्रस्तुत करी को पर्वत रोहण रे आकाशता और पर्वत रोहण रे व्यवहार करपर समान लंब और समान मटेर भिन्न भिन्न रसी नहीं प्रत्येक भार परिवहन क्षमता परीक्षा कले देखा जे नाइलन तंतु परिवहन क्षमता सर्वाधिक नेक्स्ट दिया सस्पेंशन को कृत्रिम तंतु कहुए कहीं बुझेबा रेयन तंतुर मूल उत्पादन होती प्राकृतिक सेलुलोज तंतु प्रथमे
नरम काठ स्वतंत्र पद्धति में काठमंड प्रस्तुत कराए काठमंड अशुद्ध सेल्युलोज को केतेक रासायनिक पद्धति द्वारा विशुद्ध सेल्युलोज में परिणत कराए पुनस्त आउ केतेक रासायनिक पद्धति में रेयन तंतु प्रस्तुत कराए डबल आर लिखिब रेयन तंतु प्रस्तुति में कृत्रिम उपाय तथा मनुष्य कृत उपाय मान अवलंबन कर प्रस्तुत कृत्रिम तंतु कहुए तापर देख सात नंबर को जीवा ढिला और इला खरादिन पिंधापी पोशाक कि दुकान को गले से क्यों कपड़ार पोशाक आरामदायक हो कारण सह आलोचना कर खरादिन पिंधापी पोशाक कि प्राकृतिक तंतु कपारू प्रस्तुत पोशाक आरामदायक हो कारण पॉलीमर वस्त्र ढाल अवशोषण करे ना फल अस्वस्थिकर उपलब्ध हो तापर देख आठ नंबर रोसे करने समय के कपड़ार पोशाक निरापद बुझाओ आए लगे रोसे करवा समय कपा सूतार निर्मित पोशाक अधिक निरापद यही पोशाक पॉलीमर पोशाक भली तत्ना निया धले ना तरली शरीर चर्म मंस लाखी हो रही जाए ना पुनः यही पोशाक लगे निया को शीघ्र सहजे लिभाई हुए नौ नंबर लिखे देख थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक मध्य पार्थक्य लेख नंबर आई लेख थर्मो प्लास्टिक यही धरण प्लास्टिक सब उत्तप्त कले नरम हो तरल अवस्था आसे एवं थंडा कले पुणी कठिन हो जाए एगुड़िक भौतिक परिवर्तन प्रत्यावर्ती अटे यही श्रेणी प्लास्टिक गुड़ी रैखिक एकसत्ता रही थाए देखु रैखिक एकसत्ता किपर रहीपर भाव यहाँ हूँ रैखिक एकसत्ता तापर देख पलिथिन विभिन्न थर्मोकोल एक्रिलिक टेफ्लॉन इत्यादि यार उदाहरण अटंती देख थर्मोप्लास्टिक पुनः तकरण दग्ध होइथार एगुड़ी को पुनर्बार तरल व्यवहार उपयोगी कर ठीक यार पार्थक्य मान ठीक विपरीत देखते यार कौन लिखे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स यही धरणर प्लास्टिक्स को उत्तप्त कले नरम हुए ना कि तरल अवस्था को आसे ना एगुड़िक भौतिक प्रत्यावर्तन अप्रत्यावर्ती अटे यही श्रेणी प्लास्टिक्स गुड़ी को क्रसलिंक्ड एकसत्ता रही जाए आई भी लिखे बेकेलाइट मेलेमाइन फर्मिका इत्यादि यार उदाहरण अटंती भी लिख थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पुनःचक्रण अदग्य हो परिवेश प्रदूषण एक मुख्य कारण अटंती दस नंबर जीवा देखु जैव अवक्षय दग्य पदार्थ एवं जैव अवक्षय अदग्य पदार्थ मध्य पार्थक्य लिखा को कहुई देख जैव अवक्षय यज्ञ पदार्थ फास्ट देखते जैव अवक्षय यज्ञ पदार्थ ए बक्स रही बक्स मध्य रहा जैव अवक्षय अयज्ञ पदार्थ ठीक अच्छे देखु रहा जैव अवक्षय यज्ञ पदार्थ कौन जो पदार्थ को बाहर फोपाड़ी दे कि मटी में पटिदे पता छड़ा किसी दिन पचिशड़ी किसी दिन पर मटी में मिशि था जैव अवक्षय यज्ञ पदार्थ कहुए प्राणी मल मूत्र मृत पानी प्राणी शरीर डालपत इत्यादि यार उदाहरण अटंती यही पदार्थ अणुजीव मानक द्वारा विघटित हमें एगुड़ मृतिका प्रदूषण करती ना जैव अवक्षय अयज्ञ पदार्थ कौन लिखे जो पदार्थ गोटे बाहर फोपाड़ दे कि मटे पतिदे पतिशड़ी नपारे मटी में मिशन ना जैव अवक्षय अयज्ञ पदार्थ कहुए प्लास्टिक्स पलिथिन कात टीन लुहा रबर इत्यादि यार उदाहरण अटंती यही पदार्थ गुड़ी अणुजीव मानक द्वारा विघटित हमें ना एगुड़ मृतिका प्रदूषण करती ताप देख पुनःचक्रण यज्ञ पदार्थ एवं पुनःचक्रण अयज्ञ पदार्थ मध्य पार्थक्य देख पुनःचक्रण यज्ञ देखते ये रही जो पदार्थ गुड़ी संग्रह कर रासायनिक पद्धति में पुनर्बार व्यवहार यज्ञ भिन्न धरण पदार्थ प्रस्तुत कराई ताक पुनःचक्रण यज्ञ पदार्थ कहुए ताप देख थर्मोप्लास्टिक लुहा कात इत्यादि यार उदाहरण अटे ताप पुनःचक्रण यज्ञ पदार्थ कौन लिख जो पदार्थ गुड़ी रासायनिक पद्धति में पुनः व्यवहार यज्ञ पदार्थ प्रस्तुत कराई नहीं ताक पुनःचक्रण यज्ञ पदार्थ कहुए डबला लिखे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक यार उदाहरण अटे नेक्स्ट देखु पॉलीमर कौन गोटे उदाहरण दे बुझाओ केते गुड़े क्षुद्र एकक एकत्र संश्लेषित हो गठन कर एक लंबा शिकुड़ी को पॉलीमर कहते उदाहरण देखते पॉलीथिन
एक प्रकार कृत्रिम तंतु एथिलीन नामक गैसीय यौगिक रूप प्रस्तुत होता है। उच्च तापमात्रा रे एथिलीन रो अनेक गुड़े अणु एकत्र संयुक्त हो गोटे बृहत अणु गठन करती। यही बृहत अणु गुड़िक गोटे गोटे एकक कहुए केतक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यही एकक गुड़िक एकत्र संश्लेषित हो गठन करुवा आहरी बृहत्तर एकक होती पॉलीथिन। यही पॉलीथिन होती एक पॉलीमर और प्लास्टिक श्रेणी अंतर्भुक्त अटे। तापर देख नेक्स्ट अच्छे आम जावा तेर नंबर को नेक्स्ट दिया तेर नंबर को कृत्रिम तंतु उत्पादन दंगल संकलन सहायक कि दस टी वाक्य आलोचना कर। कृत्रिम तंतु गुड़िक उत्पादन दंगल संरक्षण सहायक नुहे ता निम्नोक्त आलोचना जापर कौन कौन आलोचना करते देख। उत्पादित कृत्रिम तंतु गुड़िक मुख्यतः कृत्रिम पॉलीमर रु प्रस्तुत हो उक्त पदार्थ गुड़ी सहजरे मटी में मिसे ना। डबल लाइन लिख कृत्रिम तंतु रु निर्मित पॉली वस्त्र चाहिदा वृद्धि जो प्राकृतिक पॉलीमर चाहिदा ह्रास पाइबा फल कपा चाष नलित चाष सिमिली गछ रोपण आवश्यकता रहिबना। कृत्रिम पॉलीमर रु विभिन्न प्रकार प्लास्टिक निर्मित संभव। उक्त प्लास्टिक निर्मित वस्तु गुड़िक दंगल संरक्षण सहायक हो न पारे। प्लास्टिक से गुड़िक दैव अवक्षय अद्य पदार्थ तेणु परित्यक्त प्लास्टिक आवर्जना गुड़िक भूमि में विदण मान द्वारा विघटन हो न पारे मृत्तिका प्रदूषण करथाय और उद्भिद वृद्धि बाधा सृष्टि करथाय। प्लास्टिक जता आवर्जना को वर्षा जल को भूतल को जीवार प्रतिरोध करथाय जहाँफल भूतल स्तर में जलस्तर कमिबार लगे संगे संगे गच्छर अभिवृद्धि सहायक हो ना। प्लास्टिक आवर्जना पड़े से प्रचुर परिमाण में मिथेन और अन्य विषाक्त गैस बाहर थाए वायुमंडल प्रदूषित करें यह उद्भिद जगत पर संकट सृष्टि करे। ताप देख रेयन चाहिदा वृद्धि घटा बेले यार उत्पादन पर उद्भिद उपर निर्भरशील फल दंगल ह्रास होगा सुनिश्चित। कृत्रिम व संश्लेषित तंत्र निर्मित चाहिदा वृद्धि संगे संगे यही सब द्रव्यर आवर्जना मृत्तिका वायु और जल प्रदूषण पर समपरिमाण में दायी तेणु कृत्रिम तंतुर उत्पादन कौन से मत दंगल संरक्षण पर सहायक होबना। चौदह नंबर को जी प्लास्टिक स्तर यही उक्ति विज्ञान भित्तिक तात्पर्य दस टी वाक्य आलोचना कर। देख एक लिखे एवं सारा पृथ्वी प्लास्टिक से एक भयावह प्रदूषणकारी पदार्थ रूपे देखा दे जीवजगत प्रति विपद सृष्टि कर। गोरु गाई अनेक दलतर जीव प्लास्टिक खाई असमय मृत्यु मुखर पढ़ुंटी। प्लास्टिक पदार्थ गुड़िकर अणुजीव मान द्वारा विघटित हो पारे ना तेणु एम जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ अटंट। अदरकारी प्लास्टिक द्रव्य गुड़िक मटी में पतवा एने तेने फोपाड़ा दल से पकड़ निरे पड़ा परेश क्षतिकारक अटे। सुतरा प्लास्टिक से उत्पादन व्यवहार को सीमित करतीत अगर उपाय नाठू दूर रहा भल। पंद्रह नंबर प्लास्टिक से मनुष्य उत्तम बंधु किंतु परम शत्रु। उत्तम बंधु किंतु परम शत्रु दस टी वाक्य मध्य उक्ति सत्यता प्रतिपादन कर। देख प्लास्टिक मध्य मनुष्य उत्तम बंधुर केमी कारण है धातव द्रव्य तुलन में प्लास्टिक द्रव्यर मूल्य कम अटे। प्लास्टिक निर्मित द्रव्य हालुका अभंगुर दीर्घस्थायी सुंदर और शस्ता अटे। नमनीयता गुण जगू एकोणसी आकृति द्रव्य प्रस्तुत करपे ताप कुपरिवाही हो रसी सामग्री हैंडल विद्युत सामग्री करमूल क्षार आदि द्वारा यह क्षय हो न थाए तरह प्लास्टिक मनुष्य परम शत्रु किपर है। दलदल जीव मान असमय मृत्युर अन्यतम कारण प्लास्टिक अटे। प्लास्टिक पदार्थ गुड़ी अक्षय अवस्था रही मृत्तिका प्रदूषित करुँचा वर्षा जल मटीर तल स्तर को दिवार पर प्लास्टिक दिवारे प्लास्टिक अवरोध करुच्छी भूतल जलस्तर ह्रास अन्यतम कारण होती प्लास्टिक। प्लास्टिक पदार्थ गुड़ी निरे पड़े वायु प्रदूषण होशटी वाक्य लिखिदे देख षोह नंबर प्लास्टिक से पतवा अनुचित एवं पड़वा भी अनुचित कहीं बुधा प्लास्टिक से पतवा अनुचितर कारण। प्लास्टिक से जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ होती शह शह वर्ष पर्यटन मटी में रही मृत्तिका को प्रदूषित करें। तापर देख नेक्स्ट अच्छे वर्षा जल मटी तलस्तर को जीवन पॉलीथिन अवरोध कर भूतल जलस्तर परिमाण कमिबारे एगुड़ी सहायक करें। प्लास्टिक पड़वा अनुचितर कारण प्लास्टिक से निरे पड़े प्रचुर परिमाण में मिथेन और अन्य विषाक्त गैस निर्गत होता है वायु प्रदूषण अन्यतम कारण अटे।
पड़सारापुर प्रस्तुत होता कठिन अवशेष मृत्तिका प्रदूषण करें उपरोक्त कारण जो प्लास्टिक पदार्थ गुड़ पड़ा पतवा निरापद नुहे पीवीसी पूरा नाम कौन उत्तर हूँ पॉलीविनाइल क्लोराइड पैट्र पूरा नाम कौन पॉलीएथिलीन टेरप्थालेट उन्नीस नंबर वाम पार्श्व संपर्क को लक्ष्य कर दक्षिण पार्श्व शून्य स्थान पूरण कर थर्मोप्लास्टिक रैखिक एक सजा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्रॉसलिंक्ड एक सजा थर्मोप्लास्टिक पुनःचक्रण योग्य थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पुनःचक्रण अयोग्य इजी क्वेश्चन गुड़िक ना उन्नीस नंबर दुटा क्वेश्चन मत सरीगला आदि सब प्रश्न उत्तर तृतीय अध्याय आम आलोचना करे बास भिडटे के रखा धन्यवाद समस्त को भिडटे फुल वाच कर बट आपबू आपण मैंने सांग मान सहित टे सेयार करेंगे जहाँ फल समस्ते पाइबे भिड लाइक करने ओके धन्यवाद।